हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज चलिए देखते हैं घर पर ही दूध से पनीर बनाने की विधि, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसा होगा और बहुत ही आसान तरीके से होगा। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो फुल क्रीम दूध लिया है, ये वाला। मैंने फुल क्रीम पनीर जब भी बनाएं तो आप फुल क्रीम दूध से ही निकालें। तो इसके लिए मैंने लिया है दूध और लिया है विनेगर। तो जितना मैंने विनेगर लिया है उतना मैं पानी डाल लूँगी इसमें, यानी सफ़ेद सिरका, जो हम कि चाइनीज़ डिश में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो नींबू का रस ले सकते हैं, नींबू का रस निचोड़ लीजिए और उसे छान लीजिए, और उसे भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी और भी ऐसी रेसिपी देख सकें। अब मैंने इन्हें गैस पे चढ़ा लिया है और इन्हें तेज फ्लेम पे हम उबाल आने देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं दूध उबाल पे आ गया है, उबल गया है। तो अब हम इसे अपनी फ्लेम को इस वक्त कम कर लेंगे, और जो हमने विनेगर मिला करके रखा है पानी में, जैसे 2 चम्मच अगर आप विनेगर लिए हैं तो 2 चम्मच इसमें पानी डालना है। तो वो डिपेंड करता है आपके दूध के क्वांटिटी पे, आप कितना दूध ले रहे हैं। मैंने 1.5 किलो में 3 चम्मच इस चम्मच से विनेगर लिया है और 3 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है, और इसे धीरे धीरे हम अपने दूध में डालेंगे और एक बार इन्हें हिलाएंगे। थोड़ा सा एक बार अपने फ्लेम को तेज करते हैं और फिर हम इसे बिल्कुल लो पे कर लेते हैं। फिर से हम इसमें डालेंगे अपने विनेगर वाले मिश्रण को और फिर से एक बार इसे हिलाएंगे। ये प्रोसेस आप तब तक कीजिए जब तक कि दूध अच्छी तरह से फट नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी 2 ही बार डाला है, दूध हमारा फट गया है, फ्लेम हमारा लो है, बिल्कुल लो है। तो इस वक्त 2 से 3 चम्मच मैं और डालूँगी इसमें, 2 ही चम्मच मैंने डाला है। एक बार फिर से हम हिला लेते हैं तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हम अपने गैस को बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद मैं 1 चम्मच और डाल लेती हूँ विनेगर और फिर से एक बार अच्छी तरह इसे हिला लेती हूँ। तो आप देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह फट गया है। जब ये फट जाए तो बिल्कुल आपको गैस को नहीं जलाना है, वरना ये पनीर आपका हार्ड हो जाएगा। अब मैंने इस तरह एक जालीदार छाननी ली है और इस पे मैं एक मार्गेन का कपड़ा रख रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं, या कोई दुपट्टा हो कॉटन का तो वो रख सकते हैं। और इसमें हम अपने पनीर को छान लेते हैं। तो ये काम आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अब एक बार मैं इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेती हूँ, ताकि जो सिरका का टेस्ट है वो निकल जाएगा इसमें से, और हमारा पनीर ठंडा भी हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह ठंडे पानी से आप धो लीजिए। ये जो पानी निकला हुआ है इसे आप फेंकिए मत, इसे आप पराठे वगैरह बना सकते हैं, पराठे का आटा लगा सकते हैं, या फिर सब्जी वगैरह में भी डाल सकते हैं, या आप इसे बोतल में भर करके फ्रिज में रखिए और इससे आप फिर आगे अगर पनीर बनाना हो तो ये पानी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह पनीर को धो लिया है। धो लेने के बाद में हम एक बार पानी को निचोड़ लेंगे अच्छी तरह, इस तरह हाथों से। अब ये ठंडा हो गया है पानी, इसका एक्सेस अच्छी तरह हम निचोड़ लेंगे।
निचोड़ कर आप यहाँ एक इस तरह गांठ लगा दीजिए और फिर हम इसे इस तरह कोई भी भारी तले की चीज़ लेकर के इसे आप दबा करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए खोल के देखते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर बन करके तैयार है। तो अब आपको पनीर लेने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर में ही क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर मैं इन्हें काट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा है ये पनीर। तो फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।